फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं हूं आप लोगों की फ्रेंड बिंदु, और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं एक ऐसा नेचुरल हेयर डाई जिसे कि आप अपने घर पे प्रिपेयर कर सकते हो। सारी चीजें आपकी किचन में आपको मिलने वाली हैं। और इस तरह से अगर आपने नेचुरल डाई बनाकर अपने बालों पे लगाया तो प्री मेच्योर ग्रेइंग हेयर, जो सफेद बालों की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने वाली है। तो आज की रेमेडी बहुत ज्यादा स्पेशल और यूनिक है दोस्तों। अगर आपके बाल सफेद होना शुरू हो गए हैं, एट द एज ऑफ 30 प्लस हो जाते हैं, तो हमारे बाल कुछ थोड़े बहुत तो सफेद होना दिखना शुरू हो जाते हैं। बट उसके पहले अगर आपके बाल सफेद हो रहे हैं तो आपको बायोटिन की कमी, बाल झड़ जाते हैं, या फिर बालों में जो मेलानिन पिगमेंट होता है वो कम होता है, तब बाल सफेद होते हैं। इन सारी चीजों को प्रोसेस बाय प्रोसेस लेना है और नेचुरल चीजों का इंटेक करिए, जैसे कि मून स्प्राउटेड चीजें खानी बहुत ज्यादा जरूरी है। आंवला का सेवन आपको डेली करना है, जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ। आंवला आप अपने जूस में भी ले सकते हो, चाहे तो फिर उसका कैंडी भी ले सकते हो, किसी भी फॉर्म में आप आंवला की चटनी भी बना के खा सकते हो, बट आंवला का सेवन आप जरूर करें, ठीक है। और इसी तरह से जो रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही परफेक्ट है, बेस्ट है, जिससे कि आप अपने बालों को काला बना सकते हैं। तो नेचुरल सा हेयर डाई आप घर पे बनाएं और इसे अपने बालों पे अप्लाई जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं दोस्तों। रेमेडी बहुत ज्यादा यूनिक एंड स्पेशल है, आपको लेना है यहाँ पे दही। लैक्टिक मात्रा बहुत अच्छी होती है, लैक्टिक एसिड मात्रा बहुत अच्छी होने की वजह से हमारे बालों को ये तेजी से लंबा, काला और घना बनाते हैं। और बालों में एकदम स्मूथनिंग का अगर आपको प्रॉपर्टी चाहिए तो दही यूज जरूर करें। बालों को आप काला कैसे कर सकते हैं दही के साथ, ये मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो हमने तो दही ले लिया है, अब मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ टमाटर पाउडर। देखिए फ्रेंड्स, ये आप अपने स्किन और हेयर दोनों पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे हर्ब टॉनिक का यूज कर रही हूँ, मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिला है इसीलिए मैं इसे यूज कर रही हूँ दोस्तों। आप देखिए, ये देखिए, बालों को अगर काला बनाए रखना चाहते हैं तो इस रेमेडी को बिल्कुल इसी तरह से बनाएं, ठीक है। हमें यहाँ पे टमाटर का जो पाउडर है उसे ले लेना है, 1 से 2 चम्मच आप ले लें, अपने हेयर लेंथ अकॉर्डिंग उसे मिक्स कर लें, ठीक है। इसमें आपको मिक्स कर देना है, ये देखिए, जितनी आप, मैंने यहाँ पे कम से कम हाफ मतलब आप 150 ग्राम दही बोल सकते हो, उतनी मैंने दही ली है, ठीक है। और ये मैंने मार्केट वाली ली है, और ये थोड़ी सी गाढ़ी होती है दोस्तों। ये देखिए, आपको अच्छी तरह से इसे फेड करके इस तरह से रेडी करना है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है टोमेटो एंड जो दही है ना, जब ये मिक्सचर आप करोगे ना, अपने बालों पे अप्लाई करोगे ना, तो आपके बाल बहुत ही अच्छे से लंबे, काले और घने होना शुरू होंगे। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी बहुत ही स्पेशल इंग्रेडिएंट जो कि आपको इसमें ऐड करना है दोस्तों। ये आपके बालों को नेचुरली काला बनाए रखने का बहुत अच्छा काम करती है। वैसे देखिए, मैंने आप लोगों के साथ में लास्ट टाइम शेयर की थी कि आप चारकोल बना सकते हैं। चारकोल कैसे बनाओगे? एक तो आप बादाम का बना सकते हो, ठीक है, आप एक हल्दी का बना सकते हैं, और एक कोकोनट शेल का, जो मैंने आप लोगों के साथ हमेशा शेयर किए। इस तरह से मैंने देखिए हल्दी का है, इस तरह से कोकोनट शेल चारकोल पाउडर बना, सॉरी चारकोल पाउडर बना के रेडी किया है, जो कि है हल्दी वाला। तो ये हल्दी वाला है और इसे ही मैं यूज कर रही हूँ। कम से कम 1 से 2 बड़े चम्मच आपको यहाँ पे ले लेना है। ये हल्दी हमारे बालों को हेल्दी बनाती है, काला बनाती है और लंबा बनाती है। आप इस तरह से हल्दी का इसमें यूज जरूर करें। ये देखिए, अच्छी तरह से आपको फेट लेना है, देख सकते हो आप। मैं यहाँ पे इस कंटेनर में ही कर रही हूं और ये आपकी रेमेडी रेडी हो चुकी है दोस्तों। इससे आप अपने बालों पे लगाइए, बाल आपके लंबे, काले और घने होना शुरू हो जाएंगे नेचुरल तरीके से। ये हल्दी बहुत अच्छा है, जब आप इसे दही के साथ और टोमेटो के साथ आप जब इसका मिक्सचर करोगे ना, इतना अच्छा है ये दोस्तों। देखिए, ये नेचुरल तरीका है, आप अपने बालों पे इस तरह से ऐसे नेचुरली अपने बालों को इस तरह से काला बना सकते हैं। और भी कोई चीज आपको करने की जरूरत नहीं है, नेचुरल जो चीजें होती हैं इसी से हम अपने बालों को काला बना सकते हैं। जो व्हाइट हेयर की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व होती है। इतना अच्छा टेक्सचर इसका, स्मूदी, एकदम क्रीमी बटरी टेक्सचर। अपने बालों पर अप्लाई करें, बहुत ही तेजी से आपके बाल काले, लंबे और घने होना शुरू हो जाएंगे। ये नेचुरल तरीका है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं दोस्तों इसके, और ये नेचुरली आपके बालों को, सफेद बालों को काला बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा कारगर है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कॉमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे।